गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट योर समर टास्क ऑफ ग्रेड 4. सो आवर टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश टास्क, टुडे वी रीड द यूनिट नंबर 1. काइंडली ओपन योर इंग्लिश बुक्स पेज नंबर 4. आवर यूनिट नंबर 1 इज फंजाई. नाउ आई रीड द लेसन. काइंडली अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स विद पेंसिल ऑन बुक्स. आई स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. प्लीज लिसन केयरफुली. फंजाई. Paddy Farrater was the lighthouse keeper in Dingle long ago. In 1984, he noticed a dolphin in Dingle Bay. He began to watch the lone wild dolphin. It was a bottlenose dolphin. Paddy noticed how the dolphin used to watch for fishing boats and follow them all the way into the harbor. He wanted the fishermen to be his friend. He would teach them swimming under and jumping over their boats. The first paragraph reading is over. Now underline the difficult words. First word is lighthouse, dingle, dolphin, noticed, harbor, fisherman, tease, swimming, jumping, boats. Now from this unit, find and write any 10 meanings. I will show you some examples. Number one word is dingle. It's mean valley. Notice, observation, andaza lagana. Harbor, port, bandarga. Tease, make fun of, tang karna. Adopt, to take, apnana. Greeting, to welcome, khushamdeed. Visitor, Saya, one who visited. After this, make any 10 sentences from this unit. कोई से 10 जुमले बनाने हैं आप लोगों ने इसी चैप्टर में से. उसके बाद डू 20 पेजेस ऑफ राइटिंग डेली. ठीक है, डेली आप लोगों ने एक एक पेज राइटिंग का अपनी कॉपी में लिखना है. जोन से वर्ड्स मैंने आप लोगों को इस पैराग्राफ में अंडरलाइन करवाए थे, वो आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिक्टेशन वर्ड्स हो जाएंगे. उन डिक्टेशन वर्ड्स को आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखना है. हर यूनिट में से आप लोगों ने अपने पास सेंटेंसेस एंड वर्ड्स राइट डाउन करने हैं और उसको याद भी. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सिलेबस, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनैलिटीज ऑफ योर चॉइस. अपनी पसंद की कोई सी 2 पर्सनैलिटीज आप लोगों ने जो है सेलेक्ट करनी है और अपनी कॉपी में उसके बारे में एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. आवर लास्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 15 वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स. 3 लेटर्स के कोई से आप लोगों ने 15 लव्स लिखने हैं, जिसमें एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आपके पास है एक लव्स वन, ओ एन ई वन. वन इज मेड फ्रॉम 3 लेटर्स. ओके, From this pattern, you will do your English summer task of unit number 1, 2 and 4. ठीक है, इसी pattern पे जिस तरह मैंने आपको समझाया है, आप लोगों ने अपना unit number 1, unit number 2 and unit number 4 करना है from books on your summer task copy. Thank you.